गुड मॉर्निंग एथ क्लास, दिस इज चैप्टर वन ऑफ योर सिविक्स एसएसटी, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी हमारे भारत का जो संविधान है उसके बारे में ये चैप्टर है. इन दिस चैप्टर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज फ्रेम्ड बाय कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली इन अ लॉन्ग टाइम ऑफ 2 ईयर्स 11 मंथ्स एंड 18 डेज. हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो किसके द्वारा बनाया गया बेटे? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा. कितने टाइम में? 2 साल 11 महीने और 18 दिन. इट इज़ द लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड, और सबसे लंबा कॉन्स्टिट्यूशन है पूरी दुनिया का. एन अमाउंट ऑफ रुपीज 64 लाख वॉज स्पेंट इन मेकिंग दिस कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है, और कितना पैसा लगा है? 64 लाख, ठीक है, रुपीज लगे हैं इसको बनाने में. बिसाइड्स प्रीएम्बल द कॉन्स्टिट्यूशन ओरिजिनली कंटेन 895 आर्टिकल्स एंड 8 स्केड्यूल्स. यानी प्रीएम्बल्स को हटाकर कितने हमारे आर्टिकल्स हैं? 895 आर्टिकल्स हैं और 8 शेड्यूल्स हैं. ठीक है, द प्रीएम्बल डिक्लेयर इंडिया टू बी अ सोवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एंड इंश्योर टू प्रोवाइड टू ऑल इट्स सिटीजन ऑफ जस्टिस सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी. और जो प्रीएम्बल है उसने इंडिया को क्या डिसाइड क्या डिक्लेयर किया हुआ है कि इंडिया जो है सेक्युलर है, डेमोक्रेटिक है, रिपब्लिक है, ठीक है, सोवरेन है, सोशलिस्ट है, और अपने सिटीजन्स को जस्टिस दिलाती है सोशल, चाहे वो सोशली हो, चाहे इकोनॉमिकली हो, चाहे पॉलिटिकली हो, और इक्वल स्टेटस और अपॉर्चुनिटी सबको दिया जाता है. फ्रीडम दी जाती है थॉट्स में, एक्सप्रेशन में, बिलीफ में, यानी वो जिस मर्जी चाहे उसको बिलीव कर सकते हैं, अपने जो भी वो सोचते हैं उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं, फेथ कर सकते हैं, किसी भी भगवान को वर्शिप कर सकते हैं, डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल एंड यूनिटी एक साथ रह सकते हैं, एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन. ठीक है, और अपने भारत को साथ लेके चलते हैं, अपने देश को. ड्यूरिंग द डेज ऑफ एब्सोल्यूट मोनार्की व्हेन ऑल द पावर्स वर कॉन्सेंट्रेटेड इनटू द हैंड्स ऑफ द किंग देयर यूज टू बी नो कॉन्स्टिट्यूशन सिंस द वर्ड ऑफ द किंग यूज टू बी लॉ. क्या होता था एब्सोल्यूट मोनार्की के टाइम पे? क्या होता था बेटा, कोई भी जो सारी पावर्स जो है वो किंग के हाथ में होती थी, और कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन नाम की चीज़ नहीं होती थी. सिर्फ जो राजा का नाम होता था उसी के नाम से लॉ चलता था. एंड द पीपल हैड नो से और पार्टिसिपेशन इन एडमिनिस्ट्रेशन एंड लॉ मेकिंग. और लोगों का कोई भी हाथ नहीं था या कोई भी पार्टिसिपेशन नहीं था, चाहे जो मर्जी लॉ बन रहा है या जो कैसे भी चला रहे हैं, ठीक है, तो लोगों को उसमें पार्टिसिपेट करने को नहीं मिलता था. बट टुडे इज़ द एज ऑफ डेमोक्रेसी. मगर आज का जो ज़माना है, आज का जो समय है, वो डेमोक्रेसी का है. एंड द पावर इज़ एक्सरसाइज बाय द रिप्रजेंटेटिव ऑफ द पीपल. और पावर को कौन इस्तेमाल करता है? जो जनरल पीपल ने अपने रिप्रजेंटेटिव या नेता चुने होते हैं. दस दे कैनॉट बी अलाउड टू एक्सरसाइज द पावर अकॉर्डिंग टू द स्वीट विल. और इसीलिए क्योंकि जनता ने उनको चुना होता है, तो वो अपनी मर्जी से कुछ भी अपने पावर का इस्तेमाल करके नहीं कर सकते. दे आर बाउंड बाई सर्टेन प्रिंसिपल्स. उनको क्यों ये सर्टेन प्रिंसिपल्स होते हैं कि आप ये यहाँ इस्तेमाल कर सकते हो, ये यहाँ इस्तेमाल कर सकते हो. दीज प्रिंसिपल्स डिटरमाइन द सेटअप ऑफ द ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट. और ये ही जो जो प्रिंसिपल्स हैं, ये ही गवर्नमेंट के क्या बनाते हैं बेटा? ऑर्गन्स बनते हैं. यानी गवर्नमेंट को कैसे चलना चाहिए, उनकी पावर्स क्या है, उनके रिलेशनशिप क्या है, उनके राइट्स और ड्यूटीज़ क्या है, और सिटीजन्स के क्या है. द कलेक्शन ऑफ दीज प्रिंसिपल्स इज कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशन. और इन्हीं सबको, यानी हमारे सिटीजन्स को क्या राइट है या क्या चीज़ें हैं और गवर्नमेंट को क्या मिला है, ये ही सबसे क्या बना है? कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है, दिस इज द एज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड एवरी स्टेट हैज अ कॉन्स्टिट्यूशन विच कीप्स ऑल द ऑर्गन एंड एजेंसीज ऑफ द गवर्नमेंट विद देयर लिमिट्स. और सभी स्टेट यानी सभी कंट्रीज़ के पास अपना कॉन्स्टिट्यूशन है जो सबको, उसकी सारी स्टेट्स को, पूरे देश को क्या करती है? बांध कर रखती है, उसकी लिमिट्स बता के रखती है कि आपका राइट यहीं तक है, ताकि कोई भी अपनी मनमानी नहीं कर पाए. दस द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ कंट्री इज़ द फाउंडेशन ऑफ द लॉ. और इसीलिए किसी भी कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन उसकी लॉ का फाउंडेशन होता है, यानी उसकी लॉ की जड़ें होती हैं, उसके लॉ मतलब कानून की. इट इज़ द सेट ऑफ प्रिंसिपल अकॉर्डिंग टू विच द पावर ऑफ द गवर्नमेंट
राइट ऑफ द गवर्न एंड रिलेशनशिप बिटवीन द टू आर एडजस्टेड। यही मतलब एक प्रिंसिपल का सेट है जो क्या बताता है कि गवर्नमेंट की पावर क्या है, उसके राइट क्या है अगर वो गवर्न कर रहा है, और दो इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन। कॉन्स्टिट्यूशन इज द मिरर ऑफ द एस्पिरेशन होप्स वैल्यूज एंड विजन ऑफ द स्टेट एंड इट्स पीपल। जो कॉन्स्टिट्यूशन है बेटा वो क्या दिखाता है, लोगों को राह दिखाता है कि उनके क्या वैल्यूज हैं, उनकी क्या होप्स हैं, उसको कैसे इस्तेमाल करते हैं या उनको क्या क्या राइट मिले। कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट मेयरली अ पॉलिटिकल डॉक्यूमेंट, इट रिफ्लेक्ट्स द सोशल पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल एथोस एंड फेथ ऑफ द पीपल। कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ पॉलिटिकल डॉक्यूमेंट नहीं है बेटा, ये सोसाइटी के बारे में भी बताता है, पॉलिटिक्स के बारे में भी बताता है, इकोनॉमिक्स के बारे में भी बताता है, यानी सारे एस्पेक्ट्स को कवर करके चलता है। इट इज़ द विजन ऑफ इट्स फाउंडिंग फादर, ठीक है। द एग्जिस्टेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट डज नॉट लेट एनीबडी एक्सरसाइज अथॉरिटी arbitrarily and the security of the rights and liberties of the people is clear from the following। क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशन का होना काफ़ी ज़रूरी है, इससे क्या होता है कोई भी इंसान, ठीक है, आर्बिट्रेरली मतलब कि खुद से अपनी मर्जी के खिलाफ अपनी मर्जी से अपनी अथॉरिटीज़ का गलत इस्तेमाल नहीं कर सकता, ठीक है, और राइट्स की जो लोगों के राइट हैं उनकी सिक्योरिटी रहती है, ठीक है, उनको आज़ादी रहती है, ठीक है। और क्या क्या है जिसमें से देख लेते हैं। द फर्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट एडवांटेज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, क्या है इसके एडवांटेज अब ये पढ़ेंगे, इज दैट इट मेक इट क्लियर फॉर व्हाट एम द गवर्नमेंट हैज़ टू वर्क। यानी सबसे पहले तो ये चीज़ क्लियर करती है कि गवर्नमेंट किस चीज़ के लिए काम कर रही है, क्या काम करेगी और उसकी पावर्स कहाँ तक है। द कॉन्स्टिट्यूशन डिटरमाइन द कॉम्पोजिशन ऑफ द वेरियस ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, how they have to be elected or nominated or how they have to work, what powers they have to exercise and how they have to behave with one another। constitution beta sab batata hai ki government ke kya kya organs hai, yani kya kya part hai basically, theek hai, kaise jo government hai wo elect hogi, kaise wo kaam karegi, kya kya uski power hai, kaise uska istemal karegi aur ek dusre ke sath kaise behave karegi। It is also an advantage of the constitution that the organ of the government and officials cannot act arbitrarily, they have to act according to the constitution। ये भी एक advantage है कि government का कोई भी organ या official officer अपनी powers का गलत इस्तेमाल नहीं कर सकता। constitution में एक provision for the accountability of the organs and officials, यानी constitution ये भी बताता है कि अगर आपने ये काम किया तो आप किसको आंसरेबल हो, यानी आप किसको आंसर करोगे और आपकी खुद की कितनी पावर है, ठीक है, आपके हाथ में कितनी पावर्स है, आपके हाथ में कितना एरिया है या किस किस पोर्शन पे आपको काम करना है। जनरली प्रोविजन ऑफ द राइट एंड लिबर्टीज ऑफ द सिटीजन इज मेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन एंड प्रोविजन आर ऑल्सो मेड फॉर देयर सिक्योरिटी, नो ऑफिसर ऑफ द गवर्नमेंट इज अलाउड टू एक्ट अगेंस्ट इट। सिटीजन्स के बारे में भी बेटा दिया हुआ है कि कैसे क्या क्या उनके राइट्स हैं, क्या क्या उनके क्या क्या उनकी क्या है, मतलब कहाँ कहाँ तक वो लिबरल है, ठीक है, और कोई भी ऑफिसर लॉ के अगेंस्ट काम नहीं कर सकता। द कॉन्स्टिट्यूशन इज ऑल्सो द सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड, ठीक है, और सबसे बड़ा जो लॉ है आपके धरती का या धरती मतलब आपका जो कंट्री है, ठीक है, उसका सबसे बड़ा लॉ है। द कॉन्स्टिट्यूशन इज जनरली बेस्ड ऑन द कंसेंट ऑफ द पीपल, डज इट प्रोवाइड आइडियोलॉजिकल बेसिस टू द स्टेट लेजिटिमेसी टू पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन। जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या है, जनरली लोगों की सहमति से बनाया गया है, मतलब काफ़ी टाइम लगा, बातचीत करी, ठीक है, उसके बाद ये बनाया गया ताकि हर किसी को इक्वली राइट मिले, हर किसी का कल्याण हो, मतलब कोई भी जाति कोई भी हो या कोई भी चीज़ हो, कोई पिछड़े ना, ठीक है। अ कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड द फॉलोइंग, अब कॉन्स्टिट्यूशन क्या क्या हमें प्रोवाइड करता है ये देखते हैं। फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के हमारी क्या गवर्नमेंट होगी, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट की क्या ऑर्गेनाइजेशन होगी, रिलेशंस अमंग द एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी, इनके बीच में क्या रिलेशन होगा, फॉर्म्स ओरिजिन एंड म्यूचुअल रिलेशन
ऑफ द वेरियस ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, यानी गवर्नमेंट के किस ऑर्गन का, यानी किस पार्ट का क्या फॉर्म है, कहाँ से वो आया है, क्या उसका रिलेशनशिप है, ठीक है, ये सब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है. म्यूचुअल रिलेशनशिप बिटवीन गवर्नमेंट एंड द पीपल, क्या उनका रिलेशनशिप है गवर्नमेंट पीपल का म्यूचुअल, ठीक है. प्रोसीजर ऑफ द अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी क्या प्रोसीजर है कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने का, ठीक है बेटे. अब ये है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यहाँ से हम पढ़ेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है बेटे. तो ये वाले जो पोर्शन है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे. आपका जो आज का वीडियो है वो यहीं तक खत्म होता है.